उस दिन उसको भिक्षा में बहुत ही धन प्राप्त हुआ। उसी धन से घर आ करके भाई बंधुओं के साथ मिल करके भगवान का व्रत व पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से दुख से निवृत्त हुआ और तब से वह ब्राह्मण हर महा भगवान सत्यनारायण का व्रत करता रहा सब पापों से छूट करके। अंत में मुख्य पद को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं पृथ्वी पर जो कोई इस व्रत को करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यही नारायण ने नारद को बतलाया जो मैंने आपको बतला दिया। तब से गण बोले इस ब्राह्मण से सुनकर यह सत्य व्रत और किस किस ने किया है। सूत जी ने कहा अच्छा जिन लोगों ने इस व्रत को किया उनके बारे में सुनो। एक समय की बात है यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हार प्यास से दुखी प्यास मिटाने ब्राह्मण के घर में गया। ब्राह्मण को व्रत करते देखकर नमस्कार करके पूछा आप ये क्या कर रहे हो, उस पूजन का क्या है, आप मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा जो भी आप मेरा यह धन दान आदि देख रहे हो ये इन्हीं की कृपा से है। मैं महाशक्तिशाली